जी दोस्तों, आज आपको चेक करवाते हैं फीएट 480 जी। आप देख रहे हैं रमज़ान जदोई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं आपके सामने रमज़ान खान। आज आपको दिखाएंगे 480 फीएट और इसका रिव्यू कराएंगे आपको आज नए व्लॉग के साथ। हाजिर हैं जनाब, आज हम इस ट्रैक्टर का आपको विज़िट करवा रहे हैं, आपकी मालिक से भी बात करवाएंगे और इस ज़मीन में ये हाल चला रहे हैं और हाल भी आपको चलवा कर दिखाएंगे ये कैसे हाल लगाता है। और ये आपके सामने देख सकते हैं 480 फीएट सन 2022 मॉडल है और बिल्कुल नई कंडीशन में है, आप देख सकते हैं। आए दोस्तों, आज आपकी मालिक से बात करवाते हैं, आए हमारे साथ। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर ज्वार की काश्त कर रहे हैं ये, भाई ये एक एकड़ में जो है 480 फीट है, ये कितना डीजल यूज होता है एक एकड़ में? एक एकड़ में ये डीजल यूज करता है 5 लीटर या 4.5 लीटर। सही है, कम से कम 4.5 लीटर। भाई आप देख सकते हैं कि ये एक एकड़ में तकरीबन 4 से 5 लीटर यूज होता है। भाई आप देख सकते हैं कि 22 मॉडल है सन 2022 480 फीट। आपकी मालिक से भी बात करवाई है, उन्होंने बताया कि 4 से 5 लीटर एक एकड़ में यूज़ होता है। भाई ये रूटर का भी वही हिसाब है कि सिर्फ हलों पर? रूटर पे भी वही होता है। सही है, सबसे ज़्यादा डीजल हलों पे पीता है। सही है, सन 2022 में आपने कितनी प्राइस में इसे ख़रीदा है? 14.5 लाख। 14.5 लाख का इसे भाई ने परचेज किया है। दोस्तों आपको जैसे बताया गया कि ये तकरीबन एक एकड़ में 4 से 5 लीटर ये इस्तेमाल होता है डीजल। तो जिन दोस्तों के पास ज़मीन है और ज़मींदार है तो आप ये छोटी गाड़ी ले लें, तो बड़ी गाड़ी लेने का यही नुकसान है कि वो डीजल ज़्यादा यूज़ होगा, इसलिए बेहतर है कि आप 480 फीट लें जो कि 4 से 5 लीटर में आपका एक एकड़ आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। जैसा व्यूअर्स आपको दिखाया जा रहा है कि हाल भी दूसरे ट्रैक्टर के मुकाबले में फुल लगा रहा है,
और आप चेक कर सकते हैं हलों की कंडीशन, और ये हल भी फुल लग रहे हैं। तकरीबन हमें 20 मिनट हो चुके हैं, तो इसने चार कनाल का रकबा इसने तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, ये बड़ी गाड़ी के मुकाबले में भी काम अच्छा कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपने आज 480 फीट का विज़िट किया। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें रमज़ान जतोई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा।